नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 11 अगस्त के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। जिले में बाढ़ जैसे हालात, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। सीओ की ग्रामीणों से शुरू हुई भिड़ंत, विरोध में नारेबाजी। बारिश के कारण और बढ़ी परेशानी, कई गांवों में घुसा पानी। दुर्घटना में 24 घंटे के दौरान दो बच्चों की मौत। कब्रिस्तान में जल निकासी के लिए अंजू मारा ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। 10 केंद्रों पर हो रही है नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर का अपना सर्फ जीतू सुपर, डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी, संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और आपको हम बता दें पिछले 4 दिनों से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अपने जिले में खतरे का निशान 60.3 मीटर निर्धारित है। 8 अगस्त से ही पानी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इस वजह से गंगा से लगी सभी सहायक नदियाँ उफान पर हैं। इसके अलावे जिले के सिमरी प्रखंड का बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है। आप सामने की तस्वीर में देख पा रहे हैं चौसा रामगढ़ पथ पर, चौसा गोला के समीप, जहां कर्मनासा इस मार्ग से होकर गुजरती है, वहां सड़क पर पानी आ जाने की वजह से रामगढ़ चौसा पथ पर आवागमन ठप कर दिया गया है। अमूमन जिले की 16 से अधिक पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि गांवों की स्थिति बहुत बुरी नहीं है, लेकिन संपर्क टूट जाने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में चौसा के सीओ से बातचीत हुई। समीक्षा कर रहे हैं और अभी आकलन किया जा रहा है, और ये बनारघाट बनारपुर में जो है नाव की व्यवस्था की गई है, और यहाँ जो सड़क है उसको दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, और आगे भी जो जलीलपुर है, तिहाय है, वहाँ भी नाव की व्यवस्था की गई है। किसानों का ये किसानों का फसल जो पानी घटने के बाद जो उन लोगों का आकलन किया जाएगा, किस किसान के कितना रकबा में फसल कौन सी बर्बाद हुई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अभी हालात क्या लग रहे हैं सर, कि लोगों की जो समस्या अभी आपका जलस्तर जो आवागमन, तो आपका नाव की व्यवस्था यहाँ किया गया, जहाँ संपर्क सड़क से टूट गया है उसके लिए नाव की व्यवस्था की गई है। तो बीते दिन मंगलवार को बाढ़ का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अमन समीर भी सिमरी प्रखंड एवं चक्की के प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए। उन्होंने नियाजीपुर के लाला सिंह के डेरा, सेवरन राय का डेरा, राजापुर पंचायत के बेनीलाल के डेरा, चक्की के जवही दियो मजाही डेरा आदि गांवों का जायजा लिया। उनके साथ चक्की के जिला परिषद प्रतिनिधि परमा यादव भी मौजूद रहे। पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया गया। पिछले हालात पर भी उन्होंने चर्चा की। मंगलवार को जहां जिलाधिकारी लोगों का हालचाल जानने गए थे, उससे उनके पहुंचने से पहले ही सेमरी के सीओ अपना खेल कर चुके थे। आप इस दृश्य में देख रहे हैं बेनीलाल के डेरा गांव के रहने वाले यह लोग, जो गांव से निकलकर बांध पर शरण लिए हुए हैं, बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ सिमरी के सीओ अनिल कुमार मंगलवार को तिरपाल बांटने गए थे, लेकिन ग्रामीणों के साथ हुई कहासुनी के बाद उन्होंने वहां की एक महिला और एक पुरुष को
अपनी आदतन एकाध धौल रसीद कर दिए, इस वजह से मामला वहाँ तनावपूर्ण हो गया। लोगों की बात आपके समक्ष है। हंगामा भइल सर नुकियाई जन मुझे तिरपाल बाटे खातिर तो मैं लोग जुटा रहा तो हम जो गोनी है कि मैंने यहाँ संगे हमारे आदमी संगे झगड़ा कर दिला हन किओ तो हम गोनी है तो हम बोलत रहनी है कि मैंने आयल बनी बाटे खातिर तो बाटत कहे नहीं कहे मारा मारी करतनी यही खातिर सर हमारे पास थप्पड़ तान के मार दिला है। हाँ क्या नाम पड़ी मुनिया देवी कि इनके जैसा पदाधिकारी पूरे बिहार प्रदेश में नहीं है। हम लोग जो मांग किए तिरपाल का वो तिरपाल न दे करके यहाँ पे गुंडई करा के गए। एक हमारा नौजवान साथी को पिटवा करके जेल भिजवा दिया गया है। हमारा मांग है कि यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उन लोगों की समस्या को देखकर निदान किया जाए और उस हमारे नौजवान साथी को रिहा करवाया जाए। क्या नाम है? राजेश प्रकाश राम। गंगा उफान पर है, इस वजह से सहायक नदियाँ भी उफान पर हैं और बारिश का पानी भी अब नदियों में नहीं जा पा रहा है। आप देख रहे हैं यह दृश्य है गोलंबर से जासो जाने वाली सड़क का। मंगलवार की तड़के सुबह से जो बारिश झमाझम शुरू हुई तो पूरा सिंडिकेट बुधनपुरवा बाईपास रोड का इलाका पानी से भर गया और जासो की सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। अब यह आपके सामने का दृश्य गोविंदापुर गाँव का है, छोटकानुआ पंचायत का है। गांव भी जलमग्न हो गया है क्योंकि गंगा की वजह से ठोरा में जल का प्रभाव बढ़ गया है। यह गांव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गांव में बीते दिन मंगलवार को एक दुर्घटना भी हो गई। जलमग्न सड़क के किनारे से गुजर रहा एक छोटा सा बच्चा पानी में जा गिरा। प्रिंस कुमार नाम का यह 4 वर्षीय बच्चा गाँव के विनोद राम का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। परिजन उसे लेकर अस्पताल आए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मौका रहते अगर किसी की नज़र समय से पहले उस पर पड़ गई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। हम आपसे आग्रह करेंगे ऐसे मौसम में जब चारों तरफ इन दिनों नदियां तालाब चाट पोखर भरे पड़े हैं बच्चों को अकेले न छोड़ें अथवा कभी भी किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। आप यहाँ गोविंदापुर निवासी प्रिंस के परिजनों से इस घटना बच्चा डूबा है, कैसे डूबा है बच्चा? ये रास्ता नहीं था, अब सब उसी पानी की तरफ से जा रहता था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, उसी रास्ता से बच्चा जा रहा था, कोई नहीं देखा चला गया है। पानी में गिर गया था? गिर गया। कब पता लगा कि बच्चा डूब गया? सब बच्चे लोग जा रहा था, बच्चे लोग कोई देखा तो बोला कि भैया पानी में डूब गया है बच्चा, तो हम लोग दौड़े तो खोजने लगे तो कुछ देर के बाद मिला बच्चा। तो क्या मृत हो गया था उस समय? उस समय मृत्यु पानी फेंक रहा था, हॉस्पिटल में लेकर आए, डॉक्टर साहब बोल दिया कि बच्चा नहीं है। किस गांव से आप लोग? गोविंदपुर से। पिताजी का नाम क्या है इनका? विनोद कुमार राम। ये बच्चे का? प्रिंस कुमार। कितने वर्ष का बच्चा है ये? 7-8 साल के। 7 साल। क्या नाम है आप? कौन लगेंगे इसका? बड़े पापा लगेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राम। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अंजू मारा ने बीते दिन मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उस पत्र में इस बात का उल्लेख है डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों तक जाने के रास्ते नहीं हैं, कुछ का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, कहीं कहीं जल जमाव है, इस बदहाली को दूर किया जाए। वहीं प्रशासन की सूचना के अनुसार आज बुधवार को जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा जिले के 10 केंद्रों पर चल रही है। सूचना के अनुसार इस परीक्षा में उत्तीर्ण शामिल होने वाले 5वीं कक्षा के छात्र जो उत्तीर्ण होंगे उनका दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय नवानगर में होगा। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 10 केंद्र बनाए गए हैं। MP हाई स्कूल, बुनियादी विद्यालय, इंदिरा हाई स्कूल एवं कुछ निजी विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नवोदय विद्यालय का नामांकन बेहतर माना जाता है। अब आपके सामने का यह दृश्य गोलाघाट का है, जहां बीते दिन मंगलवार को स्नैक सेवर हरिओम ने नाग को पकड़ा। यह नाग बाढ़ में बह करके आ गया था, जब उसे पकड़ा गया तो उसने एक 4 फीट लंबे सांप को उगल दिया। ऐसा देखकर लोगों ने अनुमान लगाया नाग भी एक दूसरे सांप को निगल सकता है। अब चलते चलते आपके सामने की यह तस्वीर जिला टास्क फोर्स की है। बीते दिन उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर के अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें किसानों को भी आमंत्रित किया गया था।
उन लोगों ने मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं सब्जी की खेती से जुड़ी समस्याओं को जिला प्रशासन से अवगत कराया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।